किंग ऑफ स्विंग ने किया कमबैक, अब तो विरोधियों को अपनी गेंद से करेंगे पैक। पहले इमाद, अब आमिर ने बदले तेवर। रिटायरमेंट से लिया यूटर्न, अब खेलने को करेंगे फेवर। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान किया है और यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ सकते हैं। मोहम्मद आमिर का पाकिस्तानी टीम में वापस आना भैया बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक घंटी बज चुकी है। चाहता है कि लोग जो है पाकिस्तान के वो इमरान खान को भूलें। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गए हैं हाजिर, क्या ग्रीन आर्मी में फिर से दिखेंगे मोहम्मद आमिर? आप चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए या उस दौर का एशिया कप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को बहुत परेशान किया था। तो भैया इंडियन जनता जो है वो भारतीय जनता तो कभी नहीं भूल पाएगी मोहम्मद आमिर को। देखिए, चाहे मोहम्मद आमिर हो चाहे इमाद वसीम हो, दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं। इमाद वसीम अभी बैक टू बैक जो PSL में लास्ट 3 मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, इससे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के रिटायरमेंट वापस लेने के बाद इंडियन मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। ये वही मोहम्मद आमिर है जिन्होंने सन 2017 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई थी। शानदार परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तान ने वो टाइटल हासिल किया था सन 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का। और भी काफ़ी मैचेस मोहम्मद आमिर ने जिताया है। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी के बाद पाकिस्तान की टीम काफ़ी मजबूत हो गई है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में दोनों शामिल होते हैं तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आइए इसके ऊपर देखते हैं कि इंडियन मीडिया क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के एक दफा लाइक शेयर भी कर दें। चलो मुकाबले वीडियो की तरफ चलते हैं। किंग ऑफ स्विंग ने किया कमबैक, अब तो विरोधियों को अपनी गेंद से करेंगे पैक। पहले इमाद, अब आमिर ने बदले तेवर। रिटायरमेंट से लिया यूटर्न, अब खेलने को करेंगे फेवर। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गए हैं हाजिर, क्या ग्रीन आर्मी में फिर से दिखेंगे मोहम्मद आमिर? कहते हैं ना, मैं पलट के आऊंगा, शाखों पर खुशबुएं लेकर पतझड़ की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। और मौसम अब बदल चुका है। जी हम बात कर रहे हैं किंग और स्विंग के नाम से मशहूर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से यूटर्न ले लिया है। अब वो T20 वर्ल्ड कप के लिए हाजिर है, अगर उन्हें ग्रीन आर्मी टीम में लेती है तो। मोहम्मद आमिर ने 24 मार्च को बड़ा ऐलान किया और खुद को जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल बताया। इसकी पुष्टि खुद मोहम्मद आमिर ने की है। इसके साथ ही उन्होंने दिलचस्प बातें भी बताई। आपको बता दें कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमिर ने आखिरी बार साल 2020 में ग्रीन आर्मी की जर्सी पहनी थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले मोहम्मद आमिर ने साल 2019 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। फिर इसके अगले साल ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। गौरतलब है कि आमिर को पिछले साल पाक टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने वापसी का प्रपोजल दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया था। यही नहीं, आमिर से कई बार उनके रिटायरमेंट में वापसी को लेकर भी सवाल किए गए थे, लेकिन उनका हर वक्त यही जवाब होता था कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन इस दफा आमिर ने सबको चौंकाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। कहते हैं ना, धुआं वही उठता है जहां चिंगारी बाकी होती है। कुछ ही समय पहले जो पूरी तरह से ये कहते नजर आ रहे थे कि रिटायरमेंट से वापसी का सवाल ही नहीं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनके हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए? इससे पहले भी तो मुल्क के लिए ही खेलने की बात थी, तब तो मना करते रहे। इसका साफ मतलब है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में आमिर का खेलना पक्का ही है, तभी तो उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान किया। वही आमिर के रिटायरमेंट से वापसी को लेकर उनके फैंस में खुशी का माहौल है। कोई कह रहा है किंग इज बैक, तो कोई कह रहा है आमिर T20 2009 का कारनामा फिर से दोहराएंगे। ऐसे में उनके कमबैक करने से ग्रीन आर्मी का बॉलिंग डिपार्टमेंट जरूर मजबूत होगा और T20 वर्ल्ड कप में ये पाक टीम के लिए काफी अहम भी है। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान किया है और ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर ODI वर्ल्ड कप में भी चर्चाएं तेज थी। यह खबर चल रही थी कि शायद ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मोहम्मद आमिर या फिर इमाद वसीम को जगह दे सकता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को जब वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया तो आमिर ने मुस्कुराकर कहा कि वो अपने रिटायरमेंट वापसी प्लान को लेकर कोई भी अब दोबारा थॉट नहीं देने वाले। तो वहीं इमाद ने भी दुनिया भर की लीग्स को लेकर यह बयान दे दिया कि अब वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं और रिटायरमेंट के थ्रू दुनिया में जो बाकी क्रिकेट लीग्स हैं उनको देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है। पाकिस्तान में दरअसल हालात जो हैं वो सत्ता परिवर्तन के साथ होते हैं।
उस दौर में जो लोग क्रिकेट को संभाल रहे थे, जब वो बदलते हैं तो पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात बदलने लगते हैं, और इन बदले हुए हालातों में फिलहाल मोहम्मद आमिर ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए आने वाली सीरीज में खेलने वाले हैं। कई सारी सीरीज है, कई सारे मैचेस हैं, और इन तमाम मैचेस में मोहम्मद आमिर शायद आपको खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आए। वो T20 वर्ल्ड कप है जिसका इंतजार पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह कई सालों से कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या मोहम्मद आमिर की वापसी आपको एक्साइटमेंट देती है? इंडियन फैंस के लिए मोहम्मद आमिर स्पेशल रहे हैं। स्पेशल इस लिहाज से रहे हैं क्योंकि एक तो इंडिया के सामने उन्होंने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। आप चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए या उस दौर का एशिया कप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को बहुत परेशान किया था, और उस दौर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी हार हुई थी तो उसके लिए जिम्मेदार है। तो भैया मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान ट्विटर पर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापसी ले रहा हूं और मैं पाकिस्तानी टीम के लिए वर्ल्ड कप में जो है वो दस्तयाब होऊंगा। और मोहम्मद आमिर का पाकिस्तानी टीम में वापस आना भैया बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक घंटी बज चुकी है। आपने देखा होगा 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भैया हमारी भारतीय टीम को किस तरह से उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया था। टॉप ऑर्डर में उन्होंने रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को और उसके बाद विराट भैया को 2 बार आउट किया था। तो भैया इंडियन जनता जो है वो भारतीय जनता तो कभी नहीं भूल पाएगी मोहम्मद आमिर को। और हम पीसी भी नहीं चाहता है कि लोग जो हैं पाकिस्तान के वो इमरान खान को भूलें। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? और मैं ये भी बता दूं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पिछले 2-3 साल जो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 2023 से पहले। देखिए चाहे मोहम्मद आमिर हो चाहे इमाद वसीम हो, दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं। इमाद वसीम अभी बैक टू बैक जो PSL में लास्ट 3 मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, इससे उनकी डिमांड काफी स्काई हाई हो गई है। एबल बैट्समैन है, एबल ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग में भी मैच जिता सकते हैं। पहले उतना नहीं किया लेकिन इस PSL सीजन में हमने देखा कि उन्होंने कमाल की बैटिंग करके मैच फिनिश किया। साथ में साइंस अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म भी चले गए, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे ख्याल से एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे मोहम्मद आमिर को देखा जा रहा हो। दूसरी वजह यह हो सकती है मोहम्मद आमिर के सिलेक्शन के पीछे कि जाहिन के साथ जो बॉलिंग करते थे हारिस रऊफ वो इंजर्ड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी थोड़ी तनातनी चल रही है, तो अगर वो फिट भी हो जाते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो टीम में आएंगे। तो एक और अच्छा बॉलर पाकिस्तान को चाहिए था। देखिए शाहीन और नसीम अगर खेलते भी हैं देन स्टिल यू नीड अ थर्ड गुड फास्ट बॉलर, और इस कमी को मोहम्मद आमिर पूरी कर सकते हैं। ये इसके पीछे की सोच रही होगी PCB की और इसलिए आमिर से बात भी की गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।